हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही डिलीशियस से चॉकलेट्स, और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आप घर पर इजीली इन्हें बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये चॉकलेट बनकर रेडी हो जाते हैं। मैक्सिमम मैं ये चॉकलेट्स बनाने के लिए ओनली 4 इंग्रेडिएंट से यूज करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इन टेस्टी टेस्टी से चॉकलेट्स को। सबसे पहले इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर 1 कप लेंगे हम। क्वांटिटीज का आपको ध्यान रखना है। और अच्छे से इसे मैंने इसे सीव कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 3/4 कप कोको पाउडर ऐड किया है और 1/2 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। और इन्हें भी हम अच्छे से सीव कर लेंगे और ये जितना भी सॉलिड पार्ट निकलेगा इन्हें हम अलग से रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, ये सॉलिड सा जो है रिमूव कर लिया मैंने, और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आप जितना भी सीव किया हुआ ड्राई मिक्सचर है उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी गर्म करने रखा है। इस पे मैं एक हीट प्रूफ बाउल रख रही हूँ। आप कोई भी हीट प्रूफ बाउल इसके ऊपर रख सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 3/4 कप कोकोनट ऑयल। आप यहाँ पे वाइट बटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो ड्राई मिक्सचर है वो मैंने ऐड किया। इस प्रोसेस को डबल बॉइलिंग प्रोसेस कहते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्टली हम इस मिक्सचर को हीट नहीं कर सकते, तो ऐसा डबल बॉइलिंग के थ्रू हम इसे हीट करके मेल्ट कराएंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से ऑयल में मेल्ट हो गया है और अब धीरे धीरे ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, हल्का सा भी ये सेमी सॉलिड से और ज्यादा लिक्विफाई हुआ है और ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। तो प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन बहुत इजीली और अच्छे से हो जाती है। तो कंटिन्यू आपको स्टिर करते जाना है। ये देखिए, अभी हमारा जो मिक्सचर है ये काफी लिक्विड हो गया है और इसे हमें कंटिन्यू स्टिर करते जाना है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला बर्तन है वो काफी गर्म हो जाता है, तो इसे आप हाथ से टच ना करें। दूसरा कि जो नीचे की वेपर्स है वो कहीं से बाहर नहीं जाने चाहिए। बाउल को ही वो जो हीट है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल चॉकलेट का बन के रेडी हो गया है। अब मैं इन्हें मोल्ड्स में पोर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी, जो भी आपके पास में मोल्ड हो, मैंने सिलिकॉन मोल्ड्स यूज किए हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इसमें इन्हें डाल दिया है और इस तरीके से स्लोली स्लोली आप पोर करें। आसपास में ये जो थोड़ा सा आपका गिरेगा ही गिरेगा, वो इन्हें आप टिश्यू पेपर से साफ कर लें। ये देखिए, मैंने ये सारे मोल्ड्स प्रॉपरली भर लिए हैं। एक और मोल्ड है मेरे पास अलग अलग शेप्स का। बच्चों को थोड़ा शेप्स की फैंटेसी होती है, तो मैं ये वाला भी मोल्ड इसी तरह से भर लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से स्लोली स्लोली आप पोर कीजिए। इजिली हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये चॉकलेट्स जो है बनकर रेडी हो जाती है। मैंने ये देखिए, दोनों भी मोल्ड्स जो हैं वो इस तरीके से अच्छे से चॉकलेट से फिल कर लिए हैं और इन्हें रेफ्रिजरेट करेंगे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में। ये देखिए, मेरी टेस्टी सी चॉकलेट्स बनकर बिल्कुल रेडी है। विद इन नो टाइम ये बनके रेडी हो जाती है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी प्लेट को ग्रीस करके भी आप इन्हें जमा सकते हैं, जिससे फ्लैटन रेक्टेंगुलर चॉकलेट्स आपको मिल जाएगी। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपके चॉकलेट्स कैसे बनी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।